दोस्तों ऑनलाइन ऐप से अगर हम लोन ले लेते हैं, अगर उस लोन को अगर हम समय से ईएमआई नहीं भरेंगे तो क्या हमारे सिविल पे इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं, तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट फोटो दिखाने वाला हूँ, जो कि इस स्क्रीनशॉट से दोस्तों आपको कुछ समझ में आ जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों एक भाई का है जो कि जो लोन लिए थे कैसी ऐप से, तो कैसी ऐप से लोन लिए थे, तो यहाँ पर उनके भाई ने उधर से जो कैसी वाले हैं वो उधर से भेजे हैं कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, हमें ये हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में पढ़ के मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको आप अच्छे से समझ पाओ। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं कैसी से राहुल, कृपया चालू माह का भुगतान करें और शुल्क से बचने के लिए मुझे दिनांक के साथ स्क्रीनशॉट भेजें, अन्यथा ये सीधे आपके सिविल स्कोर को प्रभावित करेगा और ये आपको भविष्य में अगला क्षण लेने में समस्या पैदा करेगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी जो RBI NBFC से जो रजिस्टर ऐप है, अगर हम उस ऐप का लोन अगर हम नहीं चुकाएंगे, नहीं भरेंगे, तो दोस्तों जो RBI के नीचे ये लोग काम करते हैं, तो वो लोग आपका क्या है सिविल का जो अपना पैन कार्ड का जो भी अपना सिविल स्कोर होता है उसको डाउन कर देते हैं। डाउन के मतलब ये हो जाता है कि अगर आप कहीं से भी अगर लोन लेना चाहेंगे तो भविष्य में आपको लोन जल्दी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट एक बात के मैं करता हूं कि देखिए लोन लीजिए, लेकिन लोन का जो है दोस्तों रिक्वायरमेंट जो होता है EMI होता है उसका आप समय समय से भर दीजिए। उससे भरने से ये फायदा होगा दोस्तों कि अगला लोन अगर लेंगे तो उस लोन में दोस्तों आपको बढ़ोतरी करके आपको लोन मिलेगा। वहीं पर अगर समय पर नहीं चुकाते हैं तो आपका जो भी क्रेडिट स्कोर है यानी कि आपका सिविल स्कोर है वो ये लोग डाउन कर देते हैं। तो दोस्तों एक सवाल हमारे पास और आता है कि सर एक बात बताइए हमें कि अगर हम किसी भी ऐप से अगर लोन ले लेते हैं तो अगर हम उसका रिपेमेंट नहीं करें, EMI नहीं चुकाए, तो वो लोग क्या कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर जो NBFC RBI से जो रजिस्टर ऐप होगा वो उसका अगर आप नहीं चुकाएंगे तो वो लोग आपका जो भी सिविल है वो सिविल को आपको डाउन कर देंगे। अगर दोस्तों फर्जी ऐप से अगर आपने लोन ले लिया है तब उस लोन का आप EMI चुकाएवे मत कीजिए। अगर फर्जी लोन ऐप से अगर लोन लिए हैं तो उस लोन का न भी चुकाएंगे तो आपको उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके सिविल पर। लेकिन जो NBFC से रजिस्टर ऐप है उस ऐप का अगर आप EMI नहीं चुकाएंगे तो दोस्तों ये लोग आपका सिविल स्कोर को डाउन कर देंगे। तो बस दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।